यूं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास कह रहे हैं, तो कुछ मरीज ठीक होकर इनका गुणगान कर रहे हैं, और कुछ ही समय में अजीबोगरीब तरीके से इलाज करने वाला किन्नर पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। ये तस्वीरें जालौन नगर क्षेत्र के मोहल्ला फरदन 20 की है, जहां रहने वाली रेखा किन्नर द्वारा लोगों को निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। दरअसल विज्ञान के इस दौर में भी यहां मंत्रों से अभिमंत्रित कर सर्वाइकल से जुड़ी समस्याओं का उपचार किया जाता है। रेखा किन्नर की देखरेख में उनके शिष्या लोगों का उपचार करती हैं और ये सिलसिला काफी समय से चल रहा है। जहां जहां खबर पहुंचती है, लोग सुनकर यहां इलाज को आ रहे हैं। कुछ समय से यहां आने वाले मरीजों की संख्या में भी खासा इजाफा हुआ है। यहां जनपद जालौन के अलावा अन्य जनपदों से भी लोग इलाज कराने को आने लगे हैं और वो दवा के साथ दुआ लेकर हंसी खुशी लौट जाते हैं। जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र का मोहल्ला फरनवीस इन दिनों चर्चा में है, और चर्चा में है यहाँ की रेखा किन्नर, और इसकी वजह है उनके यहाँ लगने वाली भीड़। इस भीड़ के बारे में जब हमें जानकारी मिली तो हम भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। यहाँ पर आने के बाद जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल यहाँ पर रेखा किन्नर और उनके सहयोगी लोगों को, जो शुद्ध भाषा में कहा जाता है कि बात, गठिया बात, उसको मंत्र शक्ति द्वारा झाड़ते हैं, उसकी दवा देते हैं, और वो भी निःशुल्क। वैज्ञानिक और चिकित्सीय भाषा में अगर हम बात करें तो इसको सर्वाइकल पेन भी कहा जाता है। जो चिकित्सीय पद्धति है उसके मुताबिक शरीर के विभिन्न हिस्सों में नसों का जाम होना कहीं ना कहीं इस समस्या का जड़ का कारक होता है, और इसके लिए बड़े से बड़े डॉक्टर न्यूरोसर्जन की सलाह देते हैं कि वहाँ से आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये सारे के सारे दावे बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर न तो कोई न्यूरोसर्जन है, न कोई चिकित्सक है, न कोई एलोपैथिक चिकित्सा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाथ में एक नीम का झोंका है और मंत्रों की शक्ति है। इस संबंध में हमने जब यहाँ की रेखा किन्नर से बात की तो उनका कहना ये था कि वो पिछले कई सालों से इस तरीके की निःशुल्क सेवा करती आ रही हैं, और इसके साथ साथ चीज़ उन्होंने और बताई है कि श्वास एक ऐसी दवा जिसके पीछे आदमी जो रोग होता है, आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो वो सांस की दवा भी यहाँ पर ये निःशुल्क देती हैं, वो सर्दियों में मिलती है। हालांकि अभी इस समय गठिया बात और इन सब की जो है अभी दवा चल रही है, यानी कि मंत्र शक्ति से झाड़ फूंक वाली इलाज चल रही है। विज्ञान के इस युग में, चिकित्सा के इस युग में, जहाँ पर लोग अच्छी चिकित्सा लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, सारे दावे कर रही है, ऐसे में इस तरीके की चिकित्सा सामने आना कहीं ना कहीं उस पौराणिक या उस पुरानी बातों को ताज़ा करती है कि जब हमारे भारतवर्ष में, हमारे पुराने युग में लोग मंत्रों की शक्ति से लोगों को जीवनदान तक देते थे। तो आज चिकित्सा की जांच पड़ताल करने जब हम यहाँ आए हैं तो हमने कुछ महिलाओं से भी बात की है, उनका भी कहना है कि हाँ, यहाँ पर आने के बाद मंत्र शक्ति से झाड़ फूँक करने के बाद आराम ज़रूर मिलता है। कहाँ से आई हो? जालौन से। किस चीज़ की दवा लेने आई हैं? अच्छा, आप कहाँ से? आप भी जालौन से? आपको क्या हो गया? यहाँ से आराम मिलता है? आपका क्या नाम है? कहाँ से आए? मकरंदपुरा से। यहाँ क्यों आए हैं? बाजरा। किसको साथ लेके आए थे? किसको साथ लेके आए थे? दादी को। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये सब होता है? ये हमें मालूम होता है, बाबा ही लगवा गया। अच्छा, तो पहली बार आए हैं? एक आध बार? दूसरी बार आए। दूसरी बार आए। तो जब आप दूसरी बार आए हैं तो क्या कुछ आराम मिलता है? हाँ, मिला है। रेखा किन्नर, मुझे आप ये बताइए कि आप ही, हमने आपके दरवाजे पर देखा कि कुछ लोग बाहर थे और आपका एक साथी यानी सहयोगी कुछ लोगों को कुछ झाड़ फूँक करने में लगा हुआ। हाँ, चेला है हमारा जी। तो क्या पूरा प्रकरण है, किस चीज़ की दवा हो रही है? किसी गठिया बात और सांस की दो चीज की दवाई। तो ये कब से दे रहे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए। तो कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं? बहुत जगह से बात है, ग्वालियर, भेंड, मुरैना, इटावा, आसपास के सब आते। कितने सालों से चल रहा है ये क्रम? जो हो गई 5-7 साल है। अच्छा, तो इस चीज का आप लोग कितना पैसा लेते हैं? एक और नहीं, फ्री सेवा है, समान सेवा जजमान के लिए।
और किस किस चीज की आप लोग दवा देते हैं? मुझे दो चीज की देते हैं। अच्छा, श्वास के बारे में भी आपसे जानकारी मिली यहाँ पर आने के बाद। हाँ। श्वास के मरीज भी आते हैं? आते हैं। देखा गया श्वास एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज एलोपैथ में भी संभव नहीं है। हाँ। और लोग परेशान होते हैं। हाँ। यहाँ आने के बाद उनको क्या दिया जाता है, कब दिया जाता है, कैसे क्या होता है? गैया का घी, गैया का दही में लोखड़ी निचोड़ी जाती है, दो बूंद पिलाई जाती है, तीन बेर पिलाई जाती है, दस से सात चली जाती है। जालौन से देवेश कुमार, स्वर्णकार की रिपोर्ट।